आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया सबका, बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें प्यार देने के लिए। मैं उसको बात करूँ तो मुझसे नाराज़ है, पता नहीं, मुझे पता नहीं चलता बात करने का। हाँ। नहीं नहीं, वो आपसे क्यों नाराज होंगे, उनको भी पता आपकी एज हो चुकी है अभी। तो आज भाई हम देखने वाले एक भाई एक्ट्रेस है, साउथ की अदा खान है। आज वो हमें शिव तांडव जो है ना वो सुनाने वाली हैं, तो सुन के हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक सुनकर मजा जरूर लीजिएगा। तो आज नमस्ते, परम पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी का मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार। इतने सारे लोगों को कथा पे देख के बहुत खुशी हुई। कथा में आपको सब मिलेगा, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। और गुरुजी शिव जी की बात कर रहे थे, महादेव जी की, तो आज मैं शिव तांडव बोलने वाली हूँ, जो मैं रोज़ बोलती हूँ। तो आज आप सबके साथ जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत्त गद्द गज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंध संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनी। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्मनाम निप्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरे यमेधुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय, सदाशिवं भजाम्यहं, सदाशिवं भजाम्यहं। ओम नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूरी धोरणी विधूसराङ्घ्री पीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाच चूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। ललात चत्वरज्वलज धनंजय स्फुलिंग पानी पीत पंच सायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु न। कराल बाल पट्टिका धगद धगद धगज्वल धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनि शीतिनी तम प्रबंध बद्ध कंधर निलिंप निर्झरी धरस्त नोतु कृत्ति सिंधुर कला निदान बंधुर श्रियं जगद्धुरन धर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंडली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं अखच्छिदं गजच्छिदांत कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम अखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। जयत्वद प्रविभ्रम प्रमद्भुजंगमश्वसद्विनिर्क्रमत् क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाद्धिमिद्धिमिद्धिमिद्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। त्रिषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौतिकश्चोर्गरिष्ठरत्नलोष्ट्रयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो त्रिनारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवर्तिककद सदाशिवं भजाम्यहम्।
कदा निलिम्प निर्झरीनि कुञ्जकोटरेव संविमुक्त दुर्मतिः सदाशिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोल लोल लोचनोललामबाल लग्नकाशवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्तनं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यतागत विमोहनं मि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् इति श्री रावण कृत शिव तांडव स्तोत्रम् संपूर्णम्। बड़ी जबरदस्त किस्म का इन्होंने ना जो गाया है, इतना मुश्किल है ये भाई शिव जो तांडव का जो है ये जो गा रही थी, इतना मतलब ज़्यादा मुश्किल है। और उन्होंने एक जब हम एक्ट्रेस या इस तरह का नाम सुनते हैं तो लगता है कि भाई इनको कौन सा कुछ आता होगा, इनको कौन सा कुछ पता होगा, लेकिन जब वो आके इतना ज़बरदस्त किस्म का सुना दे बिना रुके आपने भाई जो है उसको गाना। और ये जब भी आप शिव तांडव किसी की भी जुबानी सुन लेते हैं ना जिसको सही से बोलना आता है तो भाई वो आपको घूस बम जरूर आएंगे। वाकई में अभी इसमें कौन सा कोई म्यूजिक ऐड था लेकिन वो गा रही थी, लेकिन अंदर तक फील हो रहा था कि वाकई में मतलब कुछ पावरफुल वो गा रही हैं। तो शिव तांडव सुनकर वाकई में भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वहाँ पे जो लोग हैं फिर बैठे हुए थे वो भी अप्रिशिएट कर रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे। मैंने तो भाई अदा खान को देखा हुआ है बहुत ज़्यादा मूवीज वगैरह में, साउथ की वैसे भी बहुत अच्छी है, एक्ट्रेस है। अम्मी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत भी कितनी है। हाँ, बहुत ज्यादा प्यारी एक मतलब लड़की है। और इसके साथ भाई उनको अपने मतलब होता है ना अपने मजहब का लगन है, हाँ उसको लगन भी है और अपने मजहब के बारे में भी वो जानती है। तो उन्होंने जानते हुए जो है ना वो शिव तांडव को याद किया हुआ। और इसको याद करना ही कहते हैं आप सबके बहुत ज्यादा ना मुश्किल होता है और इसको मतलब एक पूरे रो में पढ़ना बहुत ज्यादा टफ होता है, इंसान कहीं ना कहीं अटक ही जाता है। लेकिन उन्होंने बिना अटके 5 मिनट तक वो गाती रही है और पूरा का पूरा उन्होंने सुनाया है। आप कैसा गया? वाकई में अप्रिशिएट करने वाली बात तो बनती है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं।